नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। नव वर्ष आप सभी लोगों के लिए, बहरहाल ये नव वर्ष हमारा सनातनी नव वर्ष नहीं है, ये विश्व अंग्रेजी इंग्लिश नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। हमारा तो अप्रैल के आसपास चालू होता है, ठीक है। बहरहाल अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना कल्चर, जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको मिटने नहीं देना है। किसी ना किसी रूप में अपने बच्चों के साथ शेयर करें, एंजॉय करें, बताएं, ये आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। फर्स्ट जनवरी यानी नया साल 2022 कई राशियों वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है और भारतवर्ष के लिए भी बहुत ही उत्तम है। हाँ, कुछ आकस्मिक घटनाएं साउथ और ईस्ट में घटेंगी, जिससे थोड़ा सा काम धंधा उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं आप सभी लोगों को कि फर्स्ट जनवरी को एक छोटा सा बहुत ही अद्भुत और जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे कि ये छोटा सा और साधारण सा उपाय इतना बड़ा लाभ पूरे वर्ष हमको, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारी आर्थिक, हमारी शारीरिक, हमारी बीमारी को, हमारे परिवार को लेकर, हमारे धन दौलत को लेकर इतना जबरदस्त रिजल्ट देगी। प्रिय मित्रों, आप लोग वीडियो को अगर ध्यान से समझेंगे, जल्दीबाजी में अगर करेंगे तो आप, होता नहीं, जल्द का मामला शैतान का होता, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है उसके साथ, इसलिए ध्यान से सुने। फर्स्ट जनवरी को कोई विशेष त्यौहार नहीं है, लेकिन विशेष अब की एक संयोग बन रहा है सितारों का, ऐसा संयोग जो कि देव के देव महादेव के लाडले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी के लिए ये पूजन अर्चन वंदन और इनको रिझाने मनाने सत्कार करने के लिए अति उत्तम है। और ऐसे में जो लोग जान गए, समझ लिए, उनके ऊपर गणेश जी की पूर्ण कृपा बनती है वर्ष भर। वैसे तो हमेशा आपके ऊपर कृपा बने, लेकिन विशेष वर्ष भर आपके परिवार में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब कैसे करना है, क्या करना है गुरु जी, ये तो बताइए। आप समय ले रहे हैं, समय इसलिए ले रहा हूं कि आप समझें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और लोगों को बता पाएंगे। चलिए मैं उपाय बताता हूं क्या करना, कैसे करना। उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका हृदय से स्वागत, हृदय से आपको वंदन प्रणाम करता हूं। आप अपना कीमती समय निकालकर, सभी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, और उन सभी बहनों को, भाइयों को और दर्शकों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे चैनल को, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि गुरु जी का चैनल देखिए, अच्छा काम कर रहे हैं और तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर लूटने किसी को नहीं दे रहे हैं। प्यारे मित्रों, 30 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद भारत ही नहीं बल्कि कई बड़ी कंट्रियों में जो हमारी सभ्यता, प्राचीन समय जो हमारा भारत था, उन देशों में जाकर अपनी धरोहरों को मैं लाया, ऐसी ऐसी चीज़ों को लाया जो मुगलिया हुकूमत में हमारे यहाँ से वो सब लूट के ले गए थे, उनको ट्रांसलेट कर दिए थे अरबी में, उर्दू में, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको, उसका वास्तविक रूप यहाँ पर रिसर्च करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल करते हैं, तो जो सत्य होता है उसकी हम एक डायरी में लिख रहे हैं, किताब बना रहे हैं, ताकि आने वाले जो हमारे
धरोहर, हमारे धरोहर को आने वाले जो हमारे पुत्र पुत्रादि हैं, भारत की संतानें हैं, हमारे बच्चे रहेंगे, उन तक ये धरोहर पहुँचे। तो चलिए मैं बताता हूँ, 1 जनवरी को आप गणेश जी की प्रतिमा अगर आपको मिल जाए, कागज़ की फ़ोटो अगर नहीं मिलती तब तो चलो अच्छी बात, लेकिन प्रयास करिए मिट्टी की प्रतिमा अगर नहीं मिलती तो आप मिट्टी से बना भी सकते हैं, एक आकार प्रकार गणेश जी का दे सकते हैं। और ध्यान रहे, जब प्रतिमा आप बनाएं तो उसमें पीले रंग का प्रयोग हो। अगर आपको इस तरीके की प्रतिमा नहीं मिलती तो घर पे लाकर पीले रंग से उसको कलर भी कर सकते हैं। अब घर में जो प्रतिमा हो, जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति हो यानी घर का जो मालिक हो, उसके 4 अंगुल से बड़ी ना हो, ठीक है, ध्यान रखना 4 अंगुल से बड़ी ना हो, ठीक है, छोटी हो। आप बनवा भी सकते हैं या आप किसी जो कुम्हार लोग होते हैं, प्रजापति लोग, उनसे भी बनवा सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो इसके अभाव में आप छोटे कैलेंडर से छोटे गणेश भगवान की एक फोटो निकाल कर उसको दफ्ती वगैरह में चिपका कर उसको कठोर रूप दे सकते हैं। अब करना क्या है, ये जनवरी में आपने ले लिया, अब जनवरी का जो समय है प्रातःकाल, 1 जनवरी प्रातःकाल 4:33 से 6:42 के बीच आपको ये काम करना है। गणेश जी को पंचोपचार पूजन, पंचोपचार क्या होता है, नहलाना, ठीक है, टीका करना, जनेऊ पहनाना, भोग लगाना, आरती करना, ये सब पंचोपचार साधारण से जैसे आप घर पे करते हैं। पंचोपचार पूजन पश्चात उनको एक सफेद पीले सूती कपड़ा बढ़िया से लेकर या रेशमी आप उनको पहना दें। पहनाने पश्चात और कोई मंत्र वंत्र नहीं पढ़ना, ध्यान रखो। अब क्या करना है, 5 सुपारी, पूजा वाली 5 सुपारी को हल्दी से रंगकर एक पीले रंग की पोटली में बांधकर उनके पास रख देना है। रखने के बाद ये सब आपका कार्यक्रम हो गया। अब इस जो हमारे गणेश भगवान हैं और सुपारी की जो पोटली है, इसको आप अपने घर के, ध्यान रखिएगा, अपने घर के दक्षिण भाग में कहीं भी साफ जगह, ये नहीं कि वो कोई बोतल है या कोई उठा के रख दिए, ऐसी जगह जो बहुत साफ है और नित्य आप उनको प्रणाम कर सकें, धूप दीप दिखा सकें, ऐसी जगह रख दीजिए। पूजा के स्थान पर नहीं रखना है, ध्यान रखना, पूजा के स्थान पर नहीं रखना। एक छोटा सा आप स्थान बना सकते हैं, छोटे से मंदिर ला सकते हैं या छोटा सा, अब लोग कहेंगे क्योंकि हिंदुस्तान में तार्किक लोग बहुत हैं, अरे गुरु जी दक्षिण में मंदिर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, कोई लॉजिक बताओ क्यों नहीं होना चाहिए। तर्क वितर्क कुतर्क करना चालू कर देते हैं और कुछ बहुत ज्यादा मालूम भी नहीं है, बस रटा रटा एक किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकली बताओ कि यहां क्यों नहीं रखना चाहिए, लॉजिक बताइए। हाँ वास्तु के हिसाब से ईशान कोण पे मंदिर ठीक है, चलो कोई बात, लेकिन ये जो तंत्रोक्त प्रयोग बता रहे हैं ये डामर तंत्र विधान का एक जो हिस्सा है वो मैं बता रहा हूं। तो इसको क्या करना है, दक्षिण अपने जो घर का हिस्सा उसमें रख के और उनका मुंह दक्षिण ही तरफ रहे, घर की तरफ नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दक्षिण की ही तरफ रहना चाहिए। अब गुरु जी दक्षिण की तरफ तो दीवाल है, मैं पूजा कैसे करूं, यहां तो फंसा दिया गुरु जी आपने। तो जब दक्षिण तरफ है, आप जब भी पूजन करें उनको अपनी तरफ कर लें, आरती वंदन जो करना वो करने के बाद फिर उधर कर दिया करें। और ये कितने दिन, 1 जनवरी से 23 जनवरी तक वहां रहना चाहिए। रहने के बाद इनको आदर सहित उतारिए और उनको एक बढ़िया से किसी सिंहासन में कोई, या आप एक वो बास्केट टाइप की लेके उसमें बढ़िया से जैसे छोटे बच्चों को रखा जाता है उस तरीके से रख के आसन आसन लगा के और आरती फल फूल इत्यादि चढ़ा के 23 को ही इनको विसर्जन कर दीजिए। ये छोटी सी साधारण सी लगने वाली चीज आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां, धन धान्य पुत्र पुत्रादि की
बढ़ोतरी कर देगी। ये बहुत अचूक है, इसको करिए, लाभ उठाइए। एक बात जरूर सुनिए, अगर आपके बगल की आपके अगल बगल किसी को सफ़ेद दाग है और शुरुआती यानी एक दो साल का है, छोटे छोटे दाग हैं, बहुत ज़्यादा फैला नहीं, यानी 40% से 50% के बीच है, तो हमारे यहाँ इसका गारंटी के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। अब गारंटी कैसे, पेशेंट को आना पड़ेगा, ध्यान रखिए, या वीडियो कॉल पे उसको दिखाना पड़ेगा, और जब वीडियो कॉल पे दिखाएंगे तो इलाज के पहले जिस दिन हम इलाज स्टार्ट करेंगे उस दिन उस रोगी की हम एक वीडियो बनाते हैं न्यूज़पेपर सहित कि मेरे पास सबूत रहे कि इस दिन से मैंने इनका ट्रीटमेंट चालू किया। वो आफ्टर 3 मंथ बाद मैं दूसरी वीडियो बनवाता हूँ कि देखिए पहले से अब में कितना फ़र्क है। इसका इलाज 3 महीने से 6 महीने जो 2 साल के अंदर का होगा, 5 साल से ऊपर वाले का पूरा 1 वर्ष से ऊपर भी लग सकते हैं। ये मंथली दवा रहेगी, लगाने की रहेगी और हफ्ते में एक बार खाने की रहेगी, पूर्णतः आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक के साथ ये तंत्रोक्त प्रयोग द्वारा सिद्ध किया हुआ एक कह सकते हैं चमत्कारी ट्रीटमेंट है। तो अगर ऐसा कोई आपके अगल बगल हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या किसी प्रकार की आपको कष्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे नंबर पर आप संपर्क 9 से 5 बजे तक का कर सकते हैं। ध्यान है, प्रश्न बहुत लंबा ना हो, एक लाइन में आपका प्रश्न हो, हमारे जो वैदिक आचार्य प्राचार्य हैं वो आपको जवाब देंगे। आपने अपना इतनी कीमती समय दिया उसके लिए हृदय से धन्यवाद। माता रानी आपके परिवार को धन्यदान से परिपूर्ण रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।